नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं हूं आपके सामने सनत पांडे। आपको याद दिला दें, सॉल्यूशन के चैप्टर्स में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में। प्रीवियस वीडियोस आप देखते रहें तभी फिर नेक्स्ट वाले वीडियो फिर आपको अच्छे से समझ में आते हैं। तो अब जब जरूरी बात यह है कि जब हमने वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, तो अब आवश्यकता है कि किस तरह से डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी उस फार्मूले के जरिए हम मॉलिक्यूलर वेट का निर्धारण कैसे कर सकते हैं ये बताना है। उसके पहले मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी हो तो जो लास्ट लाइन थी उस वीडियो की वो यही थी कि जो डेल्टा टीबी है वो मोलर फ्रैक्शन के प्रपोर्शन होता है। ऑफ कोर्स तभी तो सिद्ध हुआ था, तभी तो वेरीफाई हुआ था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बॉइलिंग पॉइंट है और इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए देखिए, चूंकि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन भी तनु विलयनों का एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो अब बारी है कि हम मोलल इलिवेशन कांस्टेंट निकालें। तो आप देखते चलें, अगर डेल्टा टीवी मोलर फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो सकता है तो यहां से एन बाई कैपिटल एन हो सकता है। अरे आप क्या करेंगे, आप यहां बहुत करेंगे, आप सोल्यूट कर देंगे। हाँ, एक चीज और, आप यहां भ्रम की स्थिति में नहीं आएंगे। आपको जो मोलर फ्रैक्शन आप सोल्यूट पढ़ाया गया है वो स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन पढ़ाया गया है। बट यहां पे जब बार बार कहा जा रहा है कि प्योर सॉल्वेंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट मिलाया गया है, स्मॉल अमाउंट, तो इन्फिनिटिजिमली स्मॉल चेंजेस के लिए हमने क्या किया है, एन प्लस कैपिटल एन, इसको अप्रोक्सीमेटली कैपिटल एन मान लिया है। अब आइए देखिए, स्मॉल एन की वैल्यू रख दिया तो स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, एंड कैपिटल एन की वैल्यू रखा तो वैल्यू पलट जाएगी, कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू यहां हो गया। अब आप सोचो, हाउएवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, ये बात समझना चीज है। देखिए, रटना एक अलग बात है, हमने आपको लिख दिया कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, लेकिन क्यों आप सोचते हैं, जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई उस समय यह बताया गया कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाए तो सॉल्यूशन फर्स्ट बन गया, थोड़ा सा सॉल्यूट और मिलाए तो सॉल्यूशन सेकंड बन गया। अब इन दोनों परिवर्तनों के दौरान मेरा सॉल्वेंट तो बदला नहीं, सॉल्वेंट वही पुराना है, थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाए तो सॉल्यूशन फर्स्ट बन गया, थोड़ा सा सॉल्यूट और मिलाए तो सॉल्यूशन सेकंड बन गया। लेकिन जब दोनों के दौरान सॉल्वेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के कारण वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट होने के कारण ये जो कैपिटल यम था, यहां पे वेट ना करके यहां पे आप मॉलिक्यूलर वेट करें, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट जो था वो कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट में चला गया। अब बचा हमारा स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एम हो गया। फिर कहा गया फॉर 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये जो वैल्यू आई वो 1 ग्राम के लिए रही होगी,
अब अगर 1000 ग्राम के लिए लेते हैं तो इस पूरी वैल्यू को 1000 से गुणा कर दिया जाए। विधिवत समझ लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूं इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की किसी भी फिजिकल की बुक में इतना डिटेल कैलकुलेट करके तब इस फार्मूले को निकाला नहीं गया है। वो लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। हम आपको समझाते हैं कि जब 1 ग्राम के लिए ये फार्मूला था तो 1000 ग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा। अब यहां जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आया वो केबी आया। इसी केबी को हम कहते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब फार्मूला तो मिल गया। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उस फार्मूले से संबंधित जो भी डेफिनेशन होती है उसको याद कर लेते हैं। नहीं, मत याद करिएगा, हम आपको तरीका बताते हैं। हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले से केबी की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये मिलेगा डेल्टा टीबी कैपिटल डब्लू स्मॉल यम डिवाइड बाय 1000 इनटू स्मॉल यम, ये मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मैंने यहां केवी की वैल्यू निकाली। अब जरा देखिए, जैसे ही स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल यम देखा तो स्मॉल डब्ल्यू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है मोल। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि प्रीवियस वीडियोस देखिए, जब भी मैंने आपको मोलर फ्रैक्शन पढ़ाया होगा उस समय मैंने बताया था जब स्मॉल लिखा रहे तो आप उसको सॉल्यूट समझेंगे, अगर कैपिटल में वैल्यू लिखी है तो आप उसको सॉल्वेंट समझेंगे। तो यहां से स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम ये हो गया 1 मोल सॉल्यूट। तो डेफिनेशन बन गई कि 1 मोल, 1 मोल कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल विद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सोचो जरा, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू है, इस कैपिटल डब्ल्यू की जगह पर अगर मैं 1000 कर दूं तो ये 1000 इस 1000 से कैंसिल हो जाएगा और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो मैंने परिभाषा में लिख लिया कि 1 किलोग्राम मेघ होलने पर 1 मोल अवाष्पशील एवं विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 किलोग्राम मेघ होलने पर या 1 किलोग्राम विलायक मेघ होलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। आप सोचो जरा, ये स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अगर 1 हो जाए, 1000 से कट जाए तो ये जो मिलेगा वो केवी बराबर डेल्टा टीवी मिलेगा। तो एक बार फिर आपके सामने बात आई कि 1 मोल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन अर्थात जितनी डेल्टा टीवी बची वही हमारी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगी। और यदि 100 ग्राम विलायक लिया जाए, ध्यान रखेंगे 1000 की जगह पे क्या कर दें 100 ग्राम विलायक लिया जाए, तो इसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है जिसे हम केसी प्रदर्शित करते हैं। हालांकि आपके सारे न्यूमेरिकल इस केवी पर ही लगाए जाते हैं, ये आणविक उन्नयन स्थिरांक बहुत ही कम पूछा जाता है। तो ये तरीका था कि किस तरीके से हमारा फार्मूला जनरेट होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 1000 केबीडब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल। तो बच्चों, आपको ये बात पसंद आई हो, मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगली कहानी की ओर चलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट का निर्धारण कैसे होता है, हम लोग इसके बाद चलेंगे। ओके, ले लिया होगा आपने।
डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। आपको बता दें ये जो मेथड है, ये लैंड्स बर्गर मेथड है। इस मेथड के द्वारा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हमें प्राप्त करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक बड़े से चौड़े मुख वाली हॉट वेपर जैकेट होती है, यानी एक चौड़े से बड़े मुख वाली ये हॉट वेपर जैकेट होती है, जिसके अंदर यहां आप देखेंगे ये एक ग्रेजुएटेड ट्यूब लगी होती है। ग्रेजुएटेड ट्यूब का मतलब है आशांकित नली, जिसमें एक टैपिंग होल लगा होता है। उसके अंदर एक थर्मामीटर होता है जिसको बैकमान थर्मामीटर कहा जाता है। उस थर्मामीटर के तुरंत बगल में एक पतली सी धात्विक छड़ के साथ स्टिरर लगा रहता है। स्टिरर का मतलब है बिडोलक, अर्थात उसको हिलाया जा सकता है। एक पतली सी पाइप के सहारे हम अपने सॉल्वेंट के वेपर को एंट्री कराते हैं। आगे चलें। इस पतली ग्रेजुएटेड ट्यूब के नीचे यानी निचले हिस्से में हमने क्या भर रखा है? सॉल्यूशन आर सॉल्वेंट। प्रोसेस वही है, हीट करना है, गर्म करना है। हम लोग स्टिरर के सहारे इसको यूं ही घुमाते रहते हैं, बिडोलक के सहारे घुमाते रहते हैं। इसलिए घुमाते रहते हैं कि जब हम इसको स्टिरर से खलबलाते रहेंगे उस समय मुझे वेपर होने में, यानी जिस टेम्परेचर पर वो वेपोराइज होगा हमारा सलूशन, उस टेम्परेचर को बैकमान थर्मामीटर के द्वारा नोट कर लिया जाएगा। पहले टेम्परेचर कितना था, बाद में टेम्परेचर कितना है, दैट मीन्स जब मेरा केवल सॉल्वेंट था उस समय टेम्परेचर क्या है, जब सोल्यूशन हो गया तो टेम्परेचर क्या हो गया, फिर अगला सोल्यूशन हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ, उस दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस के सहारे हम अपने डेल्टा टीबी को ज्ञात करेंगे। अब सोचिए, यदि मुझे इस प्रोसेस एक बार फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्वेंट रखा, सॉल्वेंट की बीपी चेक किया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, बेकमान थर्मामीटर, हाँ बेकमान थर्मामीटर एक विशेष प्रकार का तापांतर मापी है जो 10^-2 डिग्री सेल्सियस तक ये करेक्ट माप सकता है। जैसे 3.34 है तो ये करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू बेकमान थर्मामीटर देता है। इसलिए हम इस प्रोसेस में लैंड्सबर्गर विधि में बैकमान थर्मामीटर का ही प्रयोग करते हैं। अदरवाइज कोई जनरल थर्मामीटर भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, बैकमान थर्मामीटर सिर्फ इसीलिए लगाते हैं कि ये दशमलव के दो स्थानों तक भी ये शुद्ध शुद्ध माप सकता है। तो आइए पहले सॉल्वेंट के बीपी को चेक करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूट मिलाकर के सोल्यूशन बनेगा उसकी बीपी को चेक करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के डिफरेंस निकालने पर मुझे डेल्टा टी भी मिलेगा, और तब अगर मुझे केबी की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बता दी जाए, डेल्टा टी भी हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, तब जरा देखिए यहां से हम उस सॉल्यूट के लिए मॉलिक्यूलर वेट की गणना कर सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये आ गया डेल्टा टी बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 के बी और स्मॉल डब्ल्यू। यहां से स्मॉल एम अगर मुझे निकालना हो तो ये 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी बी और कैपिटल डब्ल्यू। आप जरा सोचो, मुझे डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा, केबी ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, मैंने जाना है मैंने कितना ग्राम सॉल्वेंट लेकर के पहले उसकी बीपी चेक की थी, फिर हमने कितना ग्राम उसमें सॉल्यूट मिलाया है, ये दोनों वैल्यू मुझे पता है, तब हम इस फार्मूले के जरिए अणु भार की गणना अर्थात स्मॉल एम की गणना कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 लेकर के
यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये बातें, हमारे विचार, हमारे आइडियाज, हमारे व्याख्या करने का तरीका, हमारे एक्सप्लेनेशन, हमारी डेफिनेशंस पसंद आती हों तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। कुछ लोगों तक मैंने नोटिस किया है, कुछ लोगों तक मैंने संदेश भेजा है, वो लोग जान रहे हैं। यदा कदा जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, नॉट रीचेबल थे, अनइनवैलिड थे, सेवा में नहीं थे, यदि आपके संपर्क में वो आते हैं, हमारी संस्था से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, कोई आउटसाइडर के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ तक भी आप इन वीडियोस को पहुँचा दिया करें। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में, अगले किसी वीडियो में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे ऑस्कर एजुकेशन। मैं था आपके सामने सनत पांडे। ओके।